ये कल हमारे जो थानेदार जी गिरिराज जी जब गश्त के दौरान उनको सूचना मिली थी कि दिल्ली हाईवे पे कोई एक व्यक्ति है जिसके पास देसी कट्टा भी हो सकता है, कारतूस भी हो सकते हैं, तो बताए गए हुलिये के अनुसार जाकर के उसको चेक किया तो उसके पास एक देसी कट्टा और एक कारतूस मिला। उसके कोई लाइसेंस पूछा तो कोई वैध लाइसेंस उसके पास नहीं था, तो मौके पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम साबिर उर्फ कालिया है। साबिर उर्फ कालिया के खिलाफ पहले भी एक दर्जन आसपास मुकदमे दर्ज हैं। और इसी प्रकार की एक इतला और मिली कि एक व्यक्ति और है जिसके पास कारतूस हो सकते हैं, जिस पे भी टीम भेजी गई उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया, उस दो कारतूस मिले। ये इसका दूसरे का नाम है शहीदुल, इसके खिलाफ भी पहले से मुकदमे दर्ज है। हाँ, ये इनसे पूछताछ की जा रही है तो बेचने की फिराक में थे। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाए थे, किसको बेचते। नहीं, इसके हथियार से रिलेटेड भी हैं, नकबजनी के भी हैं, चोरी के भी हैं, डकैती के भी हैं। ये अपने जयपुर शहर के, विशेष तौर से रामगंज, गलता गेट,